एनआईटी हमीरपुर में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है, मगर इसमें व्यवस्थाओं को लेकर एक पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। वीडियो में महिला के द्वारा सेंटर में खाने व सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। इसी मुद्दे पर सीएमओ हमीरपुर ने बताया कि सेंटर में व्यवस्था पूरी तरह से सही है और इस सेंटर के नोडल अधिकारी से लिखित जवाब भी लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मरीजों की देखभाल में पूरे प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो किरण शर्मा ने बनाया है, जो कि 17 मई शाम से एनआईटी कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए दाखिल करवाई गई थी और ग्राम पंचायत चकमो की प्रधान भी हैं। मैं किरण शर्मा, ग्राम पंचायत चकमो की प्रधान हूँ। मैं 3 दिन पहले एनआईटी हॉस्पिटल एनआईटी हमीरपुर में आई हूँ और 3 दिन से हमें सुबह ब्रेकफास्ट किसी को नहीं दिया गया और यहाँ इतनी गंदगी है कि अच्छा वाला आदमी भी बीमार हो जाएगा और जो नहीं भी मरने वाला वो भी मर जाएगा। और मैं आप लोगों से उनकी बात कराती हूँ। अम्मा, आपको ब्रेकफास्ट मिल गया है? है नहीं मिला ना? कल मिला था, कल भी नहीं इनको ब्रेकफास्ट मिला, आज भी नहीं ब्रेकफास्ट मिला। ये टाइम हो चुका है। अभी मैं आपकी एक बात कराती हूँ, फिर मैं आपको पूरी गंदगी दिखाती हूँ। दीदी, आपको ब्रेकफास्ट मिल गया है? कल मिला था। टाइम क्या हो गया? 10:30 हो गए ना, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला। ये हालत है कि अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमें हम बात भी नहीं कर सकते, हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। दीदी, आपको ब्रेकफास्ट मिला? नहीं मिला। कल मिला था ना? कल मिली। ये टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं मिला अभी तक, जबकि हमारी इम्यूनिटी जितनी पहले की है वो भी खत्म हो रही है। ये देखो, ये है, ये गंदगी है। अभी जाके ये देखो, यहाँ पे मैं सुबह गेट तक अपने ब्रेकफास्ट लेने गई थी। नीचे जाके मैंने हमीरपुर से ब्रेकफास्ट मंगाया था। ये देखो, क्योंकि हमने दवाई भी खानी होती है, इससे हम घर में अच्छे से रह रहे थे। ये देखो, यहाँ से कोई भी गिर सकता है। ये बाहर जाने का रास्ता है, कैसे भाग कैसे जाएंगे? और देखो, ये बाहर जाने का रास्ता है, ये मेन गेट है, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब आप बताओ, यहाँ कैसे रह सकते हैं? इतनी गंदगी में कोई रह सकता है? जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस करके मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई। धन्यवाद। एनआईटी में वायरल वीडियो महिला के द्वारा समय पर खाना नहीं देने के मुद्दे पर सीएमओ डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि खाने की व्यवस्था के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है और सेंटर में कार्यरत डॉक्टर सहित मरीजों को एक ही खाना दिया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता का चेक रहे। उन्होंने कहा कि सेंटर में कई मरीजों के द्वारा होटल व घर से खाने की डिमांड भी की जाती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वृद्ध मरीजों के साथ तामिरदार भी हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था के कारण हो सकता है कुछ देरी भी हो गई हो। जी, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी अभी पता चला है और उसी के हिसाब से मैंने जो एक रिपोर्ट मांगी थी, वहाँ के जो एक डॉक्टर हैं हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर कालिया और एक डॉक्टर अभिषेक हैं वहाँ पे इंचार्ज कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ के, जो सब कुछ देखते हैं स्टाफ का और पेशेंट्स का कोऑर्डिनेशन। तो ये जो हैं मैडम किरण शर्मा जी, 42 साल जिनकी उम्र है, ये 18 तारीख को एडमिट हुए थे
और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इनको काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हुआ है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये ठीक हो रहे हैं, चल फिर रहे हैं। ये अच्छा लक्षण है कि इनको ट्रीटमेंट का पूरा फायदा हो रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तक खाने की बात रही तो मैंने स्टाफ से भी बात की और उन्हें लिखित रूप में दिया है कि ये खाना जो है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। उसके लिए ऐसी बात है कि जो हमारा स्टाफ है और जो पेशेंट है, एक ही खाना आता है। हमारा जो वेंडर है, खाने देने वाला जो आदमी है, वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टरों को या हमारी स्टाफ नर्सों को कोई और आदमी खाना देता है या कोई और खाना देता है, एक जैसा ही खाना देते हैं सबको। तो क्वालिटी सबकी एक जैसी है और आज तक ना स्टाफ ने या किसी ने हमारे इसमें नहीं लाया नोटिस में कि कोई प्रॉब्लम आ रही है खाने की क्वालिटी। 3-4 दिन पहले मैंने खुद भी खाना टेस्ट किया है यहाँ पे खाने का, और एक कमेटी भी यहाँ गठित की गई है, और हमने मेडिकल कॉलेज से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक डाइटिशियन भी वहाँ डाला जाए ताकि डाइट की जो क्वालिटी है उस पर वो भी नज़र रख सकें। तो वो कहते हैं कि होटल से खाना ले आओ, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि हम बाहर का खाना वैसे अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर अटेंडेंट ऐसा चाहता कि घर का ही खाना है भाई, तो उसको फिर चेक करके टेस्ट करके हम बड़ी अगर बहुत ही ज़रूरत है तो अलाउ करते हैं, वैसे बाहर का खाना ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि कल को पेशेंट को अगर कुछ हो जाता है उस खाने के, बाहर के खाने से, तो फिर उसमें लीगल प्रॉब्लम आती है। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं, उस सारी चीज़ों का टाइम जो है फिक्स है, 8 से 9 ब्रेकफास्ट का और 1 से 2 लंच का, और इसी तरह शाम को 8 बजे के करीब जो है डिनर का टाइम है। दूसरी प्रॉब्लम कई बार बीच में ये देखी गई, जो डॉक्टर ने हमें बताया है कि कुछ पेशेंट जो हैं वो काफ़ी एज्ड हैं या सिक जो हैं, तो उनके साथ कई बार अटेंडेंट उनके साथ रह रहे हैं, तो अटेंडेंट जहां हम खाना रखते हैं ब्रेकफास्ट, वहां से अटेंडेंट भी खाना उसी को उठा लेते हैं। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंडेंट भी ले सकते हैं खाना, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अटेंडेंट का कई बार नंबर पता नहीं होता कि 4 अटेंडेंट हैं 5 हैं 8 हैं, तो हो सकता कई बार एक आधा ब्रेकफास्ट 2 फास्ट कम और उसी को हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर हमें लगे कि 5 ब्रेकफास्ट या लंच और चाहिए तो उतना ही और मंगवा देते हैं खाना। सेंटर में सफाई के प्रश्न पर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि मरीजों का इलाज दूसरी मंजिल में हो रहा है जबकि डॉक्टर अन्य मंजिल पर ठहरे हैं। उन्होंने कहा कि जो फोटो कचरे के दिखाए गए हैं वो पहली मंजिल के हैं, जहां सफाई के बाद कचरा रखकर नगर परिषद की गाड़ी से उठवाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कचरे की व्यवस्था अलग से की गई है। तो ये जो इन्होंने जगह दिखाई है, हमारे पेशेंट जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है और जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा स्टाफ है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे सामान वगैरह रखा, और एक जगह हमने जो जगह वो जहाँ पे जैसे कचरा दिखाया है, पीले बैग जो होते हैं ये म्यूनिसिपल वेस्ट है। 2 तरह का वेस्ट होता है, एक तो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, वो तो चला जाता है गाड़ी में बायोमेडिकल रूल के हिसाब से। दूसरा जो पेशेंट का म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, ये जाता है MC के पास जाता है। तो ये जो लिफाफे दिखाए, इनको भी हमने स्टरलाइज किया है, सोडियम हाइपोक्लोराइट से इसको साफ करते हैं और रखा हुआ वहाँ पे। और मैंने सुबह भी बात की है और SDM से भी बात की है कि हमें इसको MC एरिया वाले जो लोग हैं, मैन पावर हैं, उनको उठा लें। अभी मैंने बात की और उन्होंने अश्योर किया कि इसको हम ले जाएंगे उठा के, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 50 पैकेट बन जाते हैं। हमने हर आदमी को रूम में डस्टबिन दिया हुआ है, हर आदमी को सेपरेट, अगर 50 रूम है तो 50 हमने डस्टबिन दिया कि उसी डस्टबिन में डालें उसको, हम येलो बैग में इकट्ठा करते हैं और नीचे फिर उसको वेंडर जो है वो ले जाता है। तो ये तो इसकी व्यवस्था की है हमने, जो उनका कचरा होता है उसको ले जाने की, लेकिन फिर भी इसको और सुधार की हम कोशिश करेंगे। अब जैसे घर में वातावरण होता है, कई बार अस्पताल में नहीं हो पाता है, यहाँ तो देखो अलग अलग कमरा हमने सब मरीजों को दिया, बाकी जगह देखें तो एक ही जगह लोग लिटाए होते हैं। ऑक्सीजन का हमने प्रबंध किया है, दवाइयों का प्रबंध किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो इस पर जरूर हम विजिट करेंगे और मैं भी विजिट करूँगा और इसमें और सुधार कोशिश करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग पेशेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, सारा लोग, सारी जनता काम कर रहे हैं ताकि लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और सभी से हम जो है उनके कोऑपरेशन की जो है चाहते हैं कि सभी लोग जो है कोऑपरेट करें इस मामले में। अगर वो कमी है बताएं, उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश और जल्दी से जल्दी।